students welcome back to my youtube channel my passion teaching so today we are going to complete the question answers of the story which we have already done in the previous lecture the story of the road but before watching this video you have to watch the previous video in which i had taught you the story of this of this chapter the story of the road so let's get started द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग इसका मतलब हुआ कि आप किस तरह की आवाजें साउंड का मतलब होता है आवाज आप सब हियर का मतलब होता है सुनना सुनते हो ऑन द रोड इन द मॉर्निंग की आप सड़क के ऊपर सुबह मॉर्निंग का मतलब सुबह किस तरह की आवाजें सुनते हो तो आप बताओ मुझे जब मैंने आपको ये स्टोरी भी पढ़ाई थी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन सी जो थी आवाजें सुनाई दे रही थी इस जब सुबह हुई थी रोड के ऊपर किस किस की आवाजें आ रही थी तो वही आपसे पूछा गया है कि जब आप सुबह कि आपको सुबह सुबह जो रोड पे है वो किस तरह की आवाजें सुनाई देती है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो यहां से सॉरी सॉरी सौर, यहां से वी हेयर द साउंड्स ऑफ वर्ड्स द वेजिटेबल मैन द न्यूज़पेपर पेपर बॉय एंड द साउंड्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इसका मतलब हुआ कि वी का मतलब होता है हम हेयर का मतलब होता है सुनना हम कौन सी साउंड्स का मतलब होता है आवाजें है, सुनते हैं पक्षियों की वर्ड्स मतलब पक्षियों की वेजिटेबल मैन की जो सब्जी वाला होता है उसकी आवाज़ सुनते हैं द न्यूज पेपर बॉय जो समाचार पत्र बेचने वाला लड़का होता है उसकी आवाज़ें सुनते हैं और द साउंड ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और हम जो स्कूल को जा रहे बच्चे होते हैं उनकी आवाजों को सुनते हैं जब भी सुबह सुबह होते है। पर आज कल लॉकडाउन है तो शायद ना सुनाई दे स्कूल गोइंग मतलब जो स्कूल के जाने वाले बच्चे हैं उनकी आवाज़ें पर इनकी आवाजें हमें सुनाई देती हैं जब भी सुबह रोड पे जब भी सुबह होती है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग की जो वेजिटेबल मैन वेजिटेबल मैन का मैंने आपको मतलब बताया है सब्जी वाला ठीक है जो सब्जी वाला आदमी था वो सेलिंग का मतलब होता है बेच रहा था वो क्या बेच रहा था जब मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई थी इसलिए बोला मैंने स्टार्टिंग में कि इन क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आप पुरानी वीडियो को देखो जिसमें मैंने आपको स्टोरी सारी की सारी एक्सप्लेन की है डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ उनका मीनिंग बता के हिंदी में और आपको वो वीडियो जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे वहां पर आपको वीडियो आ, लिंक आपको दिख जाएगा आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को ओपन कर सकते हो या फिर इसको वीडियो को देखने से पहले आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसके लिए आप इसी इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो जहां पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास थ्री इंग्लिश सो अब मैं आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम तो इसका आंसर क्या होगा जब आपने मैंने स्टोरी पढ़ाई थी आपको बताया था कि जो सब्जी वाला था वो क्या बेच रहा था सब्जियां बेच रहा था और कुछ फ्रूट्स बेच रहा था तो क्या क्या देखा था ही इज सेलिंग पीस कलीफ्लावर कैबेज कैरेट रेडिश एंड कुटो की ही इज सेलिंग मतलब कि वो बेच रहा था क्या बेच रहा था पीज पीस को हम इनमें बोलते हैं मटर ठीक है कलीफ्लावर को हम बोलते हैं फुल गोभी फिर कैबेज को हम बोलते हैं बंद गोभी कैरेट्स का मतलब होता है गाजर रेडिश का मतलब होता है मूली कुकुम्बर्स का मतलब होता है खीरे और पटेटो का मतलब होता है आलू मतलब कि वो आलू खीरे गाजर मूली बंद गोभी फूल गोभी और मटर ये सब चीजें वो बेच रहा था अब आगे आपको क्वेश्चन दिया और आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर को जब आप वीडियो को पॉज करोगे तो फिर जब आप तो आप लिख सकते हो उसके बाद आप वीडियो को अगेन प्ले कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द रोड एनॉयड विद द क्रो एनोइड का मतलब होता है कि नाराज था ना वो क्योंकि आपने जब स्टोरी पढ़ी थी तो वहां पे एंड में आपने देखा था कि जो रोड था वो नाराज होके या गुस्सा होकर बोल रहा था कि वेकअप वो बोल रहा था कि तुम्हें मूर्ख पक्षी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैं कब से पूरी तरह से जागी हुई थी वो नाराज़ हो गई थी उससे तो वही पूछा गया यहां पे कि उससे नाराज क्यों हुई थी क्योंकि वो पहले से ही जागी हुई थी और वो बार बार वेकअप वेकअप बोल रहा था तो अभी हम यहां पे आंसर लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ग्रोइंग टू वेकअप क्योंकि वो जो था वो क्रोइंग मतलब होता है कि वो क्रो क्रो कर रहा था टू वेक इट अप ताकि वो उसे उठा सके वेक इट अप while it is already wide awake while it is का मतलब होता है जबकि while का मतलब होता है जबकि वो जो थी वो ऑलरेडी मतलब कि पहले से ही वाइड अवेक मतलब कि पूरी तरह से जागी हुई थी आप आंसर लिख सकते हो बिकॉज़ इट इज क्रोइंग टू वेक इट अप क्योंकि वो जो है वो क्रों क्रों कर रहा था आवाज निकाल रहा था उसे उठाने के लिए बल्कि वो जो थी वो ऑलरेडी वाइड अवेक वो पूरी तरह से जागी हुई थी ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नहीं है अब हमारे पास नेक्स्ट है Time, क्या बात करने का समय आ गया स्टॉप लुक एंड लिसन स्टॉप का मतलब होता है रुको लुक का मतलब होता है देखो और लिसन का मतलब होता है है? सुनो। ठीक स्टॉप लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट कि जब भी आप किसी गली को क्रॉस करते हो किसी भी रोड को क्रॉस करते हो आपको उससे पहले रुकना चाहिए फिर देखना चाहिए फिर सुनना चाहिए फिर क्रॉस करना चाहिए यूज योर आईज यूज योर ईयर्स अपनी आंखों का इस्तेमाल करो अपने कानों का इस्तेमाल करो क्योंकि ये आई से ही हम देखते हैं तो इसलिए आंखों का ही इस्तेमाल होगा कानों से हम सुनते हैं इसलिए कानों का इस्तेमाल होगा एंड देन यूज योर फीट और उसके बाद अपने फ़ीट मतलब कि अपने पैरों का इस्तेमाल करो चलने के लिए एंड टॉक अबाउट हाउ वुड यू हाउ यू वुड क्रॉस रोड और बताओ कि आप कैसे रोड को क्रॉस करते हो तो कैसे करते हो आप सब रोड को क्रॉस जब भी आप स्कूल आते हो या घर जा रहे हो तो तब आपके रास्ते में रोड तो आता होगा जहां से गाड़ियां बसे जाती होंगी या गली आती होगी तब तो उसको कैसे क्रॉस करते हो तो आपको बताया भी जाता है ऐसा स्कूल में कि जब भी आप रोड को क्रॉस करो पहले रुको पहले दाएं देखो पहले बाएं देखो या दाएं देखो फिर दाएं देखो फिर देखो कि सुनो कि कहीं किसी गाड़ी की आवाज तो नहीं आ रही है अगर कोई गाड़ी नहीं जा रही है तो आप जल्दी से रोड को क्रॉस कर लो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई शेल कि मैं आई शेल फर्स्ट लुक टू माई लेफ्ट कि पहले मैं अपने बाई तरफ देखता हूं लेफ्ट का मतलब है बाई तरफ देन टू द राइट फिर मैं अपने दाई तरफ देखता हूं इफ नो व्हीकल इज कमिंग अगर कोई भी वाहन जो है व्हीकल को हम बोलते हैं वाहन या कोई भी गाड़ी या कुछ भी ना आ रहा हो इज If no vehicle is coming, अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा है आई विल रन अक्रॉस द रोड की मैं जल्दी से दौड़ के रन को रोड uh, को क्रॉस कर लेता हूँ ठीक है इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हो अब आगे चलते हैं कैन यू मेक द साउंड विच यू हियर वेन यू वॉक ऑन द रोड टॉक अबाउट दैम कि क्या आप उस तरह की आवाजें बना सकते हो जो आवाजें आप सुनते हो घरों में सॉरी व्हेन यू वॉक ऑन द रोड की जब आप रोड पे जा रहे होते हो तो आप निकाल सकते हो ऐसी आवाजें बना सकते हो जैसे किसी की हम मिक्री करते हैं उस तरह से आपको बोला गया ठीक है तो लिखना नहीं इसमें कुछ आपसे पूछा गया कि आप बना सकते हो तो जरूर बनाए अब आगे बोला गया आपको यूज कैन एंड कैन नॉट अल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज कि आपको कैन कैन can और कैन नॉट शब्दों का इस्तेमाल करना है इन सेंटेंसेज में ये जो नीचे वाक्य दिए गए अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव का मतलब कि एक बार कैन लिखा है तो दूसरी बार आपने कैन नॉट लिखना है ठीक है कि आगे अल्टरनेटिवली करके मतलब आग कैन लिख दिया है तो उसके बाद आपने कैन नॉट लिखना है फिर आगे वाले में फिर कैन लिखना है फिर कैन नॉट लिखना है उसी तरह से जैसे कैन का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कैन का मतलब होता है कर सकना कि आप इस काम को कर सकते हो कैन नॉट का मतलब है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता कैन का मतलब होता है कर सकता ठीक है कर सकते हो या नहीं कर सकते हो जैसे आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार ठीक है कि हम कार की आवाज को सुन सकते हैं आई कैन नॉट क्योंकि आपको बोला कि अगर आपने एक बार कैन लिख दिया है तो आपको अल्टरनेटिव है तो उसके जो आगे वाला होगा उसमें आपको कैन नॉट लिखना पड़ेगा आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल क्योंकि ट्रेन की विसल की आवाज बहुत तेज होती है तो आई कैन नॉट कि मैं नहीं सुन सकता हूं कि मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल आई कैन हेयर द विंड ब्लो की जब हवा चलती है तो मैं उसको सुन सकता हूं आई कैन नॉट हेयर द क्लॉक जो क्लॉक की तक, तक की साउंड होती है बहुत ही कम सुनाई देती है ऐसा होता नहीं की सुनाई दे केवल आई कैन नॉट हेयर द क्लॉक आई कैन हीयर द साउंड ऑफ फिट कि जब कोई और लोग आ रहे होते हैं उसके पैरों की आवाज़ हम सुन सकते हैं बट आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ अ चेयर क्योंकि जब हम चेयर को मूव करते हैं उसमें जो चेर की आवाज़ आती है वो हमारे कानों को चुपती है तो हम उसको नहीं सुन सकते हैं सो आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ मूविंग चेयर उसके बाद नेक्स्ट है आई आई कैन हियर द डॉग बार्किंग की मैं जो कुत्ते की भोंकने की आवाज को सुन सकता हूं और ये आपके लिए कुछ सॉन्ग सॉन्ग टाइम दिया है यहाँ पे आपको ये जो बस है ये जो बस की स्टोरी है उसको गा के गाया गया है तो आप सब ज्वेल्स को गा सकते हो जैसे द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड 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 ठीक है कि जो गाड़ी के जो पहिए होते हैं वो गोल 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 जाते हैं ठीक है गोल गोल घूमते हैं द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड 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 ऑल थ्रू द टाउन की जो पूरे के पूरे टाउन होते हैं जो पूरा शहर होते हैं उसमें सभी में पूरी जगह पे जो बस के जो टायर होते हैं वो गोल गोल घूमते हुए जाते हैं द हॉर्न ऑन द बस गो बीप बी बीप की जो बस का जो हॉर्न होता है उसमें कैसी आवाज निकलती है बीप बी बीप द वाइपर्स ऑन द बस गो स्विश विश्विश जब बारिश लगती है तो वाइपर्स चलते हैं ना आगे जो पानी को साफ करते हैं तो वो कैसी आवाज आती है स्विश विश स्विश द मनी ऑन द बस गोज क्लिंक क्लिंग क्लिंक जो मनी होती है बस में वो क्लिंग 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 की तरह जाती है द बेबीज ऑन द बस गो वा व क्योंकि बच्चे रोते हुए रहते हैं ना तो वो कैसी आवाज में जाते हैं वहां 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 करते हुए द ड्राइवर ऑन द बस इज मूव ऑन बैक की जो ड्राइवर होता है बस में वो पीछे जाने के लिए, के लिए कहता है द वेल ऑन द बस गोज डिंग 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 जो वेल होती है बस के अंदर वो डिंग 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 की तरह जाती है विंडोज ऑन द बस गो अप एंड डाउन कुछ लोग खिड़की को खोल रहे होते हैं कुछ लोग बंद कर रहे हैं जो खिड़की जो होती है बसों में वो अप और डाउन जाते थे ऊपर और नीचे आपका मतलब ऊपर डाउन का मतलब उसके बाद बोला टीम टाइम हर एक चैप्टर में आपने देखो कि आपको एक बार टीम टाइम आता है इसमें एक टॉक टाइम होता है एक उसमें एक रीडिंग इस फान होता है अब यहाँ पे आगे हमारे पास टीम टाइम द रेस द रेस आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग होम इन अ बस ये एक रेस है जिसका नाम है प्रमका आई एम गोइंग होम इन अ बस कि मैं घर को जाता हूँ कैसे जा रहा हूं मैं घर को जा रहा हूँ बस में देअर इज अ रेलवे लाइन अलोंग साइड द रोड की रोड के साथ में रेलवे लाइन है की रेलवे की पटड़ी है लुक देअर इन द ट्रेन कमिंग ठीक है लुक देयर बोलते देखो वहा ट्रेन आ रही है कमिंग का मतलब होता है आ रही है आई टेल द बस ड्राइवर कि मैंने बस ड्राइवर को बोला गो फास्ट कि जल्दी चलो गो फास्टर देन द दे ट्रेन की ट्रेन से ज्यादा तेज चलो बट द ड्राइवर स्लोज डाउन पर जो ड्राइवर है वो धीरे हो गया स्लो डाउन का मतलब होता है धीरे हो जाना देअर इज अ रेलवे गेट क्योंकि वहां पे क्या था एक रेलवे का गेट था क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां से ट्रेन की पट्टी गुजरती है अगर वहां से बस जा जाती जा जा है तो वहां पे एक बड़ा सा गेट लगाया जाता है ताकि आगे बस ना जा पाए और ट्रेन को जाने दिया जाए पहले आई मस्ट स्टॉप से द ड्राइवर ड्राइवर ने बोला कि मुझे रुकना पड़ेगा वो जरूरी है वहां पर रुकना मैंने आपको बोला ना स्टॉप लुक एंड लिसन से द्राइवर सेज द ड्राइवर की ड्राइवर ने ऐसा बोला द ट्रेन विसल्स लाउडली कि जो ट्रेन है उसने जोर से विसल किया लाउडली से उसमें आवाज आती है आई एम फर्स्ट एंड इट्स की उसने बोला की मैं फर्स्ट हूं और वो चली गई ठीक है और अब नेक्स्ट है आपको दिया हुआ लुक एट द पिक्चर एंड राइट फोर सेंटेंसेज अबाउट वट यू सी आपने इस पिक्चर को देखना है और आपने ऐसे चार सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपको यहाँ पे कार दिख रही होगी ट्रक दिख रहे होंगे बड़े से आपको एक ट्रे एक ट्री दिख रहा है आपको एक हिल दिख रही है आपको रिवर दिख रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई कैन सी अ ट्री आपको पहले से लिख के दे दिया आई कैन सी ए ट्री आपको यहाँ पे एक ट्री दिख रहा होगा सिर्फ एक ही ट्री दिख रहा है तो ट्री एक ही बोल लगाते हैं। तो मतलब इसकी एक है वो ठीक है आई कैन सी अ ट्री कैन का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि देख सकता हूं आई कैन सी अ ट्री उसका लिख सकते हो आई कैन सी कार्स एंड ट्रक्स ठीक है कि हम कार्स और ट्रक्स को भी देख सकते हैं उसके बाद आप आई कैन सी रोड कि हम रोड को भी देख सकते हैं ठीक है आई कैन सी हिल्स एंड अ लेक ये जो लेक है जो तालाब जैसा है इसको और जो हिल है उसको भी हम देख सकते हैं तो हमने ये चार लाइन से रिलेटेड लिख दी तो इसी के साथ हमारी जो स्टोरी हमने पढ़ी थी द स्टोरी ऑफ रोड उसके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो कि आपको रेड कलर में दिखेगा वहां पे लिखा हो सब्सक्राइब आपने उस पर क्लिक करना साथ में फिर आपको बेल आइकन आएगा उसको आपने क्लिक कर देना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और कब हम अगला चैप्टर लेके आएंगे वो सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें थैंक यू